जीवन का सफ़र। इस सफ़र में कभी वो पड़ाव आता है जब हम अकेले होते हैं, बिल्कुल अकेले, और बहुत देर तक किसी को पुकारते हैं, बहुत दूर तक पुकारते हैं, इस आशा में, इस उम्मीद में कि कोई आएगा हमारी आवाज़ सुनकर, हमारी आवाज़ के जवाब में कोई आएगा। और बहुत देर तक जब कोई जवाब नहीं आता तब हम पुकारना बंद कर देते हैं, चुप होकर बैठ जाते हैं, और फिर शुरू होता है एक सफ़र, आस्तिक से नास्तिक का सफ़र, मोह से निर्मोह का सफ़र, प्रेम से उदासीनता का सफ़र, विश्वास से अविश्वास का सफ़र। और जब ऐसी स्थिति होती है तब मन की नदी चंचलता त्याग कर समुद्र के स्थिरता धारण करने को व्याकुल हो उठती है। एहसास कुछ ऐसा कि बहते बहते थक गए हों, मीठे पानी सा बनकर बहते रहे, फिर भी साथ तो कोई बहा नहीं। अब मीठापन त्याग कर खारेपन को धारण कर लिया जाए, कम से कम हृदय के मोती चुनने तो कोई आएगा, पर हम अब कुछ भी धारण नहीं करेंगे। बिल्कुल समुद्र की तरह सब कुछ किनारे लग जाए हमारे, हमारे अंदर किसी का कुछ भी न रहे, बस हमारी मिठास हमारे खारेपन में बदल कर हमारे अंदर रह जाए, और हो शांति, चीर शांति, कवित मन अकवित की ओर।